दोस्तों करीब 6 बजे पैसा दिया, हम गए थे कहीं पे सुरजापुर में। सुरजापुर मतलब मेरा घर से मतलब वो डालपुरा साइड है, ठीक है ना। डालपुरा 15 किलोमीटर, सुरजापुर भी 8 किलोमीटर के आसपास, मतलब डालपुरा का आधा रास्ता ये था। हम गए थे और एक दूसरा आदमी, तो उन्होंने बोला तो हम साइकिल लेंगे, मतलब बिना पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसका इसलिए नहीं बोलते साइकिल लेंगे। चलो सुरजापुर जाते, तो उनका पास तो है नहीं, बोलता 30 हज़ार के आसपास, ईद का बाद आएगा, मतलब 1 महीना बाद आएगा। अभी फिलहाल उनके पास ये चार्जिंग स्कूटी भी सब है, 65 हज़ार से स्टार्ट, 65 हज़ार, 67 हज़ार और 73 हज़ार, ठीक है ना। 73 हज़ार वाला जो है वो बोलता है 70 किलोमीटर जाएगा, और जो 65 हज़ार वाला वो बोलता है 45 किलोमीटर जाएगा, ऐसा ही बताया। तो दोस्तों आए, आने का बोला पैसा दिया, तो आते आते बाज गया मेरे को। यहाँ से हम निकले करीब 7 बजे, निकल गए किशनगंज। तो एक पल्ला दे दिया, ये बोला सही है, दूसरा पल्ला दिया, उसका मोबाइल नट स्लिप है, ठीक है ना, जैसे इंजन ऑयल हमको डिजाइन करना है वो स्लिप था। तो इसलिए फिर एक मेन पल्ला दे दिया, केरांग दे दिया और ब्लॉक दे दिया। अरे हेड जो है हम लोग खुद ग्राइंडिंग करेंगे। ये भाल किधर गया भाई? ये हो गया भाल, 400 रुपया का MRP और 400 रुपया दाम है इसका, 400। उल्टा दिखाई देगा, शायद देखिए सही से दोस्तों, 400। हाँ यहाँ पे देखिए मेरा उंगली का, यहाँ पे देखा उंगली का यहाँ पे 400 रुपया इसका कीमत है। और टाइमिंग किट का कीमत देखिए, सब ओरिजिनल माल है दोस्तों, ओरिजिनल माल मतलब ओरिजिनल पार्ट्स। यहाँ पे देखिए 470 रुपया, 470, ये हो गया ओरिजिनल क्लास प्लेट, करीब 400 रुपया कीमत है, ठीक है ना। और ये हो गया पैकिंग किट, 200 रुपया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्लास के भी, गाड़ी में लगेगा और मेरा गैरेज के भी, सब ओरिजिनल पार्ट्स है, ठीक है ना। ये हो गया कुछ नट बोले यहाँ पे जो खराब था, हम बताते थे स्क्रू बिल्कुल खराब है, नट खराब, ये सब नया लाए, ठीक है ना। ये हो गया GPT पिन, हमें डालना चाहिए। और क्लास कटोरा भी छोड़ दिया, बेस प्लेट का प्लेट भी, बेस प्लेट खराब है वो भी अगर मिल जाएगा तो लगा देंगे, तो हीटर चलेगा, मगर क्लास कटोरा नया लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब पार्ट्स है, गियर पिनिया मिनिया हम सब खुलवाए, कल हम लोग सेटिंग करेंगे, तो टाइम मिलेगा तो वीडियो बना देंगे। ये सब हम लोग वॉश किए, फिर भी कचरा है उतना साफ नहीं करेंगे, जो होने का हो गया, ठीक है ना। सब मेरी मम्मी सब बिल्कुल सही है, तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल सही है इधर, तो दोस्तों सारा पार्ट्स लाए ओरिजिनल, सब ओरिजिनल, ठीक है ना। उनको बोले 6 हज़ार रुपया करीब इंजन में खर्चा होगा, ठीक है ना। और बॉडी का काम अलग से, बस सिर्फ ब्रेक से लगा दिया, बोलेगा मडगार्ड खराब है, उन्होंने बोला पहले मडगार्ड नहीं लेंगे, अब बोला जब पैसा दिया 5 हज़ार तो बोले मडगार्ड भी लगा रहा। तो मेरा आदमी बोलता है पैसा और ज़्यादा होगा, 6 हज़ार प्लस हो जाएगा, बोले ठीक है। तो 5 हज़ार दिया, तो हम इसलिए पार्ट लेके आए, ठीक है ना। इधर पिस्टन भी छोड़ दिया लेद में, लेद भी बने दूसरा दुकान में, हम छोड़ के आए, बोले कल दे देना उनको, वो काम कर देगा। तो मेरे आदमी को करीब 11-12 बजे भेज देंगे, और ये गाड़ी हम लोग कोशिश करेंगे इंजन कल रेडी करेंगे, अगर रनिंग कम काम होगा तो। अभी टाइम भी काफ़ी, देखिए हम आए करीब 10 मिनट हुआ, तो 9 बजने वाला, 15 मिनट, 15 17 मिनट बाकी है 9 बजने के, तो मान चले 9 बज गया। अभी आदमी मेरा काम कर रहा है बाहर में, इसका थोड़ा सा काम है, और वो जो इंजन है सीधी रिलैक्स का, ठीक है ना। ये देखिए ये गाड़ी का इंजन खुला हुआ है, और इधर एक सिलेंडर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कार्बेटर खुला हुआ है। तो दोस्त हम लोग का भी निकालेंगे घर, सब हम लोग का इधर तैयार है, और कल हम लोग जेट का काम करेंगे, हम लोग के गैरेज में गारंटिंग करते इसका, ठीक है ना। और सब ओरिजिनल पार्ट्स यहाँ पे लाए, क्या गाड़ी बहुत पुराना है ना, उन्होंने जब पैसा भी दिया 5 हज़ार रुपया, तो सामान तो लगाना पड़ेगा ना भाई, चलना चाहिए गाड़ी। तो ये देखिए मेन पल्ला हम लोग का, ठीक है ना। तो सब साफ सुथरा हो गया एकदम बिल्कुल टन। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल में बाइक का रिलेटेड वीडियो आते रहेगा हमेशा, एक दो पर डे का, कभी अगर कहीं दिक्कत में फंस गया तो वीडियो नहीं आएगा थोड़ा प्रॉब्लम का, मगर दूसरा दिन आएगा, दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन तो एकदम पक्का 3-4 आ जाएगा, मतलब पार्ट डे का एक दो तो कंफर्म हम देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो नहीं दे पाते, वो अलग बात है। तो दोस्तों तो अभी स्प्लेंडर का हम लोग को काम करना है, सब फ्री है ना, पिन सिंह जेड सोलो सही से देखो हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है
चलता चलता अचानक गाड़ी झटका मारना शुरू होता है, तो पलक भी चेंज किया, कारिन भी चेक किया, बिल्कुल सही है। तो अभी कार्बेटर खुला हम लोग, तो दोस्त उसको हमको थोड़ा सा अपना हाथ से देखना पड़ेगा। देखिए ये बाहर में ये काम चल रहा है, ठीक है ना, तो हमको अपना हाथ से देखना पड़ेगा। रात भी हाईवे में गाड़ी चल रहा है, रात भी काम हो गया। तो दोस्त तो ये सब सेट कर लिए, अभी कल सुबह आके गियर पीने हम सब वॉश करेंगे, फिर ये सब सेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। या इधर है गियर प्रीमियम सब टूटा है, इधर है, ठीक है ना, हिसाब करके फिटिंग करना पड़ेगा। और ये पल्ला हम लोग जैसे कोई थे हर चीज़ हम लोग चेक किए तो बिल्कुल चलने का लायक है, तो इसका जरूरत नहीं, सब अच्छा सा अभी सब रिसीव ऑन सब उठा के फिट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हो गया, सेल्फ नहीं खुले, खुलने का जरूरत नहीं, सेल्फ नहीं होता है, कोशिश करेंगे सेल्फ बनाने के लिए, होगा तो होगा नहीं तो देखा जाएगा, होगा पक्का होगा, कोई सामान लगा तो लगा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्त चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों और जरूर शेयर कीजिएगा। हम वीडियो में हर चीज़ शेयर करते हैं आप लोग का साथ, स्पून पार्ट्स का कितना दाम है और कितना हम लोग का मुझे टोटल बताया जा, इस गाड़ी में कितना टोटल बिल होगा और कैसा साउंड था, भर 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 धुआं मारने का प्रॉब्लम हम स्टार्ट देखे पहले भी, और स्टार्ट करेंगे जैसा इंजन बांध के, नया इंजन बांध के स्टार्ट करेंगे, उसका साउंड भी सुनाएंगे। और पिकअप ऐसा होगा दोस्त, एकदम सोसो घर का पिकअप होगा नया जैसा, कई क्लास प्लेट भी जरूर डाल देंगे, ठीक है ना, ताकि गियर भी अच्छा से लगे और पिकअप भी सही रहे। अगर उन्होंने सही से अगर मोबाइल चेंज करेगा दोस्त तो बहुत दिन चलेगा, अगर मोबाइल नहीं चेंज करेगा डाल दे 3000-4000 किलोमीटर चल गया मोबाइल चेंज नहीं किया तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा। 6 महीना में अगर चला लिया 5000 तो मोबाइल हो सकता है मोबाइल थोड़ा बहुत लीकेज का प्रॉब्लम था, चाट लेगा 5-6 हज़ार किलोमीटर में चेंज नहीं किया तो इंजन सीज होगा, फिर से लगेगा 5-6 हज़ार। तो 2025 में अगर मोबाइल चेंज कर देगा, अगर इंजन आपका मोबाइल नहीं खा रहा है तो 2025 में अगर इंजन ऑयल मतलब मोबाइल चेंज कर देगा तो गाड़ी इंजन जैसा कह रहा है मार देगा, 3 साल तो आराम से चलता है, सिर्फ मोबाइल रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो 1 साल क्या 6 महीना में ख़त्म हो सकता है, तो 5-6 हज़ार आपका बर्बाद पानी में गया। तो मोबाइल चेंज करना चाहिए टाइम टू टाइम, तब इंजन आपका सही रहेगा। और अभी क्या होता है दोस्त, एक बात है, हम हर चीज़ जब से होते ए बी सी करते हैं, बहुत सारा अभी कंपनी आ गया तो हर गैरेज में आता है भाई बेच के पैसा देना, ये ओरिजिनल मोबाइल थोड़े ना है, ओरिजिनल सामान ऐसा नहीं होता है, हम आपको दे देगा 20-30 लीटर बेच बेच के पैसा दो, ये 90% ओरिजिनल नहीं है, लोकल ब्रांड हो गया, ठीक है ना। वो 200 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, जैसे मिट्टी सब गुल मिट्टी सब होता है ना वैसा सेम वो मोबाइल हो जाता है पतला, ये तो कचरा टाइप का आ जाता है, ठीक है ना। और गाड़ी गर्म भी होगा और गाड़ी का साउंड भी चेंज होगा, और वो क्या होता है इसमें टेम्पर दूसरा रहता है, जल्दी धुआं भी मार देगा पक्का। हम देखते ना बहुत सारा गैरेज में डालता है वो सही नहीं है, तो इससे अच्छा दूसरा कंपनी का मोबाइल डालो, कैस्ट्रोल में तो कमाई नहीं है, दूसरा कंपनी डालो, सार्वो डालो ओरिजिनल है उसमें भी कमाई, वो सब डालो, लोकल बोला मत डालो, सार्वो डाल दो, और भी बहुत सारा कंपनी है ओरिजिनल में, ठीक है ना, सार्वो डालो, कैस्ट्रोल में भी कमाई, अगर आप 10-20 लीटर तो उसमें भी बच जाएगा 30 रुपया बच जाएगा आराम से, 35-40 रुपया बच जाएगा, अगर 2 पीस 1 पीस लेता तो नहीं बचेगा, 20 रुपया बचेगा। तो दोस्तों मैं खुद लाते 4 पीस 5 पीस कर, देखे हर कंपनी का इंजन लगते हैं 4 पीस 5 पीस करके, जो चलता है हम लोग का हीरो बजाज वीडोन हुंडा हर चीज़ रखते हैं 4-5 पीस का, मतलब घुमा नहीं देते ओरिजिनल। हाँ क्या होता है जैसे 480 का MRP डाल के 500 रुपये लेंगे, क्या ओरिजिनल इंजन वाले, अगर 480 का MRP है आप 400 में 420 में 430 में डाल देगा कोई तो ये मोबाइल कैसे ओरिजिनल होगा। अरे भाई 30-40 रुपये 1 लीटर मोबाइल में बचेगा, 300-400 रुपया फंसा के 30-40 रुपया बचेगा, तो कई परसेंट होता है 10% ओरिजिनल मोबाइल में, तो 1 लीटर मोबाइल जब आप 300 रुपया फंसेगा तो आपको 30-40 रुपया बचेगा, 350 फंसाने के बाद तो आप 40 रुपया कमा सकते हो ओरिजिनल। लोकल में क्या होता है जो दुकान आता है उसमें क्या होता है दोस्तों 250 रुपया बचो, ये मतलब 250 रुपया फंसाओ और बेचो 350 रुपया, 100 रुपया कमाई हो गया, इधर 30-40 रुपया उधर 100 रुपया, तो कैसा होगा मोबाइल ये बताओ। इसलिए क्या होता है गाड़ी आपका हीटिंग प्रॉब्लम होगा, व्हाट स्मोक का प्रॉब्लम मतलब धुआं का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मोबाइल डालो, हीरो डालो, विडोल डालो, कैस्ट्रोल डालो, सार्वो डालो, मेरा पास सार्वो है नहीं साहब, एक है उधर है सार्वो में अच्छा कमाई, अगर आप मैकेनिक हो तो सार्वो डालो, दूसरा अगर आप लोग का इधर में दूसरा मोटर वोटल में प्रॉफिट ज़्यादा है मोटर डालो, वो सब डालो तो सही रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत टाइम भी हो गया, मेरा आदमी मेरा तरफ देखते हैं थोड़ा नाराज हो गया, तो
प्रोडक्ट हम लोग वो गाड़ी का काम कर लेते हैं, क्या ना दोस्त। तो दोस्त ऐसा जैसा मोबाइल ब्रांडेड डालना है, अगर आपके पास गाड़ी है कोई भी गाड़ी हो तो ब्रांडेड मोबाइल चलाओ, चाहे स्कूटी हो हुंडा का डालो, चाहे हीरो का डालो, चाहे कैस्ट्रोल का या विडोल का या सार्बो का ओरिजिनल डालो तो सही रहेगा। तो दोस्तों तो फोर्ड्स स्प्लेंडर का हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर से बोलते हैं, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आज वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्या हम पार्टी का एक दो वीडियो डालते हैं और आप लोग का साथ हम हर बात शेयर करते, कोई कस्टमर मेरे साथ धोखा नहीं करता या गद्दार करता, हर चीज़ हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों फोर्ड्स हम लोग वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिस नहीं कीजिए, कल फिर वो डीलर्स का इंजन फिटिंग करेंगे उसका भी वीडियो डालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।